लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक महत्वपूर्ण दिन है मध्य प्रदेश का, कि हम सबके आराध्य, हमारे लाखों करोड़ों की आस्था और आध्यात्म का प्रतीक हमारे जय श्री राम मेरे राम, जो 450 वर्षों से लड़ाई चलती आ रही थी, उस अयोध्या में जहाँ पर राम जन्मे थे, वहाँ पर कल राम जी के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। वहाँ पर शिला रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके अनुसार कल शिलान्यास होने जा रहा है और भव्य मेरे राम जी उस मंदिर में बैठेंगे। तो सभी जय श्री राम बोले, और मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो मेरे लाइव जुड़े हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि सभी लोग कल और आज रात्रि में अपने घर में दीपावली की तरह दीपक जलाएं, दीपावली की तरह अपने बंदरवाल बांधे, सुबह आम के पत्तों के बंदरवाल वाले, और कल शाम को भी पूरी दीपावली की तरह के कोई 51, कोई 101, कोई 501, कोई 1100 अपने आसपास के मंदिरों को और अपने घरों पर कल भगवत ध्वज लगाए और पूरी तरीके से मग्न होकर कल रामोत्सव मनाएं। हमारे रामलला का कल शिलान्यास हो रहा है मंदिर का, और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि हिंदू समाज के हृदय में बसने वाले आध्यात्म के केंद्र राम जी महाराज कल जो है वहाँ बैठने वाले हैं, शिलान्यास उनके मंदिर का हो रहा है और जल्दी राम मंदिर बनेगा, तो पूरी तरीके से दीपावली की तरह इस उत्सव को मनाएं और अपने राम जी के प्रति, क्योंकि यही राम है, ईश्वर हमारा साथ देगा, राम जी साथ देंगे, तो निश्चित मान के चलो हमारी सारी चीज़ें होगी। और कल उन्हीं आराध्य देव श्री राम जी का वो है, और निश्चित मान के चलिए अतिथि शिक्षकों की मनोकामना पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ कि ग्वालियर क्या जिसका भी महल घेरना पड़े हम महल को घेरेंगे, आप हिम्मत ना हारे। सिर्फ तारीख भी तय हो चुकी है, सब काम तय हो चुके हैं, सिर्फ चंद समय है, हम आपके सामने घोषणा करेंगे, कार्यक्रम तय है, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के पदाधिकारी आदरणीय अजय पाल जी, केसी पवार जी और के सैनी जी, बीएम भाई, सारे लोग जितने भी मध्य प्रदेश के 52 जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी है, वो सभी मिलकर हम लोग कार्यक्रम को तय कर चुके हैं, और भी उनसे चर्चा चल रही है, आगे जो प्रक्रिया उससे निपट रहे हैं, और हम निश्चित मान के चलिए कि जल्दी करेंगे, किसी का कोई विरोध हमें रोक नहीं। तो कल आप सभी से अनुरोध, अधिक से अधिक महोत्सव मनाएं, आज रात्रि में अपने घरों को दीपावली की तरह चमकाएं और कल भी दीपक लगाएं और भगवान राम के मंदिर का जो शिलान्यास कल हो रहा है, कल जो उद्घाटन हो रहा है मंदिर बनने का, उसके सहभागी बने, ये प्रार्थना है। और उनसे प्रार्थना करें राम जी से कि भगवान हमारी मनोकामना जल्दी पूरी करे। साथ ही जिनका वेतन अप्रैल तक का नहीं आया है, वो लोग सभी अपने BODO से बात करें, ज़्यादा समस्या हो तो मुझसे बात करवाए, और अगर जिनका आवंटन की वजह से समस्या आ रही हो मुझसे भी बात करें, बिना आप बोल दे डायरेक्ट कि उनका जो मांग पत्र है वो मांग पत्र आयुक्त को जाएगा कि इतने अतिथि शिक्षक वेतन के बिना बच गए हैं, तो वो आप मान के चलिए कि आपकी जो आप वेतन है वो अति शीघ्र आपको मिलेगा। जो भी ग्वालियर का मामला है तो उस विषय में जल्दी हम तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं, मान के चलिए मुख्यमंत्री जी से एक बार चर्चा हो जाए, अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो अंदर भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, वहाँ के कुछ माध्यम है जिनके माध्यम चर्चा हो जाए, नहीं हो पाए तो बाहर आते हम उनसे चर्चा करेंगे, और हमारे कार्यक्रम जो है उसका तय कार्यक्रम है, योजनाबद्ध तारीख करें, और पूरे मध्य प्रदेश का एक एक पदाधिकारी उसको मिलकर करेगा, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने घोषणा कर दी और निकल पड़े और फिर जो भी हो, श्री राम जय राम जय जय राम, हम और इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम तो अपनी चर्चा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षक उस कार्यक्रम से जुड़ेगा, हर जिले से हमें 50 लोगों की संख्या चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी साधन चले नहीं चले, आप अपने साधन करके एक जिले से सिर्फ 3 गाड़ियां करनी है, 3 तूफान गाड़ियां, उसमें जितने लोग आए 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, जितना लोग नियमितीकरण की चाह रखते हैं अपनी एक गाड़ी अपने ग्रुप की कर लीजिए, 10-12-15 लोग जितने आते हैं, और हम जो तिथि बताएं उसमें सीधे ग्वालियर पहुँचे। मैं कह रहा हूँ हम पहला प्रयास तो ये कर रहे हैं कि सिंधिया जी उस कार्यक्रम के पहले ही बात मान जाए और हम उस कार्यक्रम में उनका सम्मान करें,
उनका भव्य सम्मान करें और वो वहां पर सीएम साहब को बुलाकर हमें उपचुनाव के पहले हमें नियमितीकरण का तोहफा दे। पहला प्रयास हमारा ये चल रहा है, अगर वो प्रयास में वो राजी नहीं होते हैं तो चाहे हमें वह बैठना पड़े, कितने दिन धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। अभी उसके पहले ग्वालियर का दौरा भी मैं करूंगा अपनी पूरी टीम के साथ, अनेक चीज़ें होने वाली है, आप लोग मत टेंशन करिए। ग्वालियर के कार्यक्रम का पूरा प्रारूप बन रहा है, सभी चीज़ें एक साथ ओपन नहीं की जाती है, सभी से इंटरनली ओपनली निश्चित वो कार्यक्रम करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि जिस प्रकार कमलनाथ जी से चर्चा हुई, एक बार मुख्यमंत्री से जल्द वो बाहर आते ही चर्चा हो जाए, फिर हम उस तारीख का ऐलान कर देंगे। आप लोग सभी अपनी तरह से तैयार रहना।